सलमान खान के करीबी महेश मांजरेकर के खिलाफ FIR, एक शख्स को थप्पड़ मारने और गाली देने का आरोप। सलमान खान के करीबी माने जाने वाले अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर महेश मांजरेकर के खिलाफ पुणे के यवत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। उन पर कार एक्सीडेंट के बाद एक शख्स को थप्पड़ मारने और गाली देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह केस 15 जनवरी को गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रजिस्टर किया गया है। महेश मांजरेकर को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में शामिल किया जाता है। उन्होंने इंडस्ट्री में एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक में काम किया है। एक्टर के तौर पर उन्हें ज्यादातर नेगेटिव किरदार के लिए जाना जाता है। सबसे पहले उन्हें दूरदर्शन के मराठी शो क्षितिज में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक कुष्ठ रोगी की भूमिका निभाई थी। मांजरेकर वास्तव द रियलिटी, कांटे, रन, स्लम डॉग मिलिनर, वांटेड, दबंग, रेडी, जय हो, टोटल धमाल और साहू जैसी फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आ चुके हैं। वहीं डायरेक्टर के तौर पर वह वास्तव द रियलिटी, कुरुक्षेत्र, हथियार, पिता और विरुद्ध, फैमिली कम्स फर्स्ट जैसी कई फिल्मों के लिए उन्हें क्रेडिट जाता है। वे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ भी निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म अड्डा से शिवानी सिंह की रिपोर्ट।